हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक डोर लॉक और रिमोट किट के बारे में बताने वाला हूँ, उसे कैसे यूज़ करा जाए। तो चलते हैं हम आगे की ओर। तो ये है अपना इलेक्ट्रॉनिक डोर लॉक। और ये उसकी चाबियां होती हैं कंप्यूटराइज्ड की। ये होता है अपना इलेक्ट्रॉनिक डोर लॉक। तो मैं बताता हूँ इसे रिमोट किट से कैसे कनेक्ट करें। ये है अपनी रिमोट किट। ये है अपनी रिमोट किट और ये होते हैं रिमोट। तो मैं बताऊंगा इसे कैसे कनेक्ट करें। सबसे पहले हमें करना क्या है कि रिमोट किट की पावर ऑन करनी है। तो मैं करता हूँ रिमोट किट की पावर ऑन। तो ये हो गई है रिमोट किट की पावर ऑन, ठीक है। हम यूज़ करने के लिए थोड़ी सी तार लेते हैं लॉक को कनेक्ट करने के लिए। तो मैं अभी लॉक कनेक्ट करूँगा। मैं इस पे थोड़ी सी टेप लगा लेता हूँ ताकि शॉर्ट ना हो आपस में। तो अब मैं कनेक्ट करता हूँ इसे लॉक में। तो अब मैं इसे कनेक्ट करता हूँ अपनी पावर सप्लाई में लॉक की जगह पे। तो ये होता है ऑप्शन लॉक का और ये होता है स्विच का। अगर आप चाहते हो स्विच से भी खोल लूँ और रिमोट से भी खोल लूँ, तो स्विच के भी कनेक्शन कर सकते हैं आप और लॉक के भी, मतलब रिमोट किट से डायरेक्ट खोलना चाहते हैं बिना स्विच के, तो वो भी है इसमें। तो मैं तो फ़िलहाल रिमोट से कर रहा हूँ। तो मैंने ये कनेक्शन कर दिया है, अब इसे हम खोल के देखते हैं। तो देखिए ये लॉक की आवाज़ आ रही है और यहाँ पे लाइट भी ब्लिंक होती है नीचे, जब भी हम बटन दबाएंगे तो लाइट भी ब्लिंक होगी। ये देखिए देखिए, मैं दिखाना चाहता हूँ आपको लॉक। ये समझ लीजिए इस समय हमारा लॉक हो रखा है गेट, और ये अंदर चला गया। देखिए ये अंदर चला गया, ये अंदर चला गया, ये लॉक खुल गया, ये लॉक खुल गया, ठीक है। तो ऐसे ही आप इस रिमोट से चौथे फ्लोर तक ऑपरेट कर सकते हैं अपना लॉक इजी। जाने की ज़रूरत नहीं है कि हम बेल स्विच दबाएं, रिमोट आपके पास ही रहेगा, रिमोट से बटन दबाया लॉक खुल गया, दैट्स इट। तो बस इजी इंस्टॉलेशन है इसकी, मैं यही बताना चाहता था इस वीडियो में।